Good afternoon, class. Today we are going to discuss about Newton-Raphson myth. In previous lecture, हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने जाना था कि how we can compute based on the regular Fauchi myth. Right now, we are going to discuss about Newton-Raphson. हर मेथड में क्लास हम लोग ने एक चीज सीखा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कॉन्सेप्ट सेम है बट मेथड यानी कि फॉर्मूला चेंज करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला चेंज होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि डाइसेक्शन में आइटरेशंस 10, 11, 12 स्टेप तक जा रहे थे, वही जैसे ही हम लोगों ने रेगुलर फॉलोजी शुरू किया तो स्टेप्स क्या हो गए, जैसे ही वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन-रैप्सन, तो स्टेप्स क्या हो जाएगा, कंसाइज हो जाते हैं. सो राइट डाउन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक कौन सा है बताइए क्लास, न्यूटन रैप्सन मेथड. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक है न्यूटन रैप्सन. ओके, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले क्या है. पहले वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड. फर्स्ट वर्किंग रूल, राइट डाउन आकांक्षा लिखिए, वर्किंग xn+1 क्लास xn+1 इक्वल टू xn माइनस क्लास, हियर वी विल सी यहाँ पे n क्या है, दैट इज द एरिया नंबर, xn+1 बाय xn माइनस fxn इन न्यूमरेटर, और डेरिवेटर में वी विल राइट f डैश, यह डैश नहीं से कहेंगे, हियर वी विल रीड एज डेरिवेटिव. व्हाट वी विल रीड, व्हाट वी विल स्पीक, फंक्शन डेरिवेटिव. राइट डाउन, इसे क्या कहेंगे, फंक्शन डेरिवेटिव. ओके, कोई दिक्कत, रूल वही है जो हम लोगों ने सीखा है. क्या रूल है, जो फंक्शंस का लगाते हैं. तो राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके द्वारा भी सो क्वेश्चन राइट डाउन. आदित्य क्वेश्चन बोलिए, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, बोलिए, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x = cos x plus 1. Correct up to 4 decimal places. और कुछ दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है, ये पहले किस तरह का इक्वेशन है आकांक्षा, ये किस तरह का इक्वेशन है, 3x = cos x + 1, विच टाइप्स ऑफ इक्वेशन आदित्य, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, व्हाट वी विल स्पीक, ये किस तरह का इक्वेशन है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. मैंने कल ही डिस्कस किया था, Yesterday I have discussed about the transcendental equations. क्या होते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं, कैसे काम चलेगा,
सो प्लीज इक्वेशन को पहचानिए, स्टेप वन सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन, राइट डाउन सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन अभी एफ एक्स नहीं कहेंगे, एफ एक्स कब कहेंगे जब जीरो पे, गिवन थ्री एक्स इक्वल टू, थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन, यस या नो, क्रॉस थ्री एक्स प्लस इक्वल टू कॉस एक्स प्लस। अब जैसे ही इसे हम फंक्शंस को वन साइड करेंगे, व्हेन वी विल शिफ्टिंग द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट विल बी चेंजेस। यानी क्या हो सकता है, इसे अगर आप 3x माइनस कर सकते हैं ना, क्रॉस 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू, कैन बी राइट और नॉट राइट, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू बोल सकते हैं कि नहीं, आकांक्षा कैन वी स्पीक कैन वी से और नॉट से, ऑफ कोर्स वी कैन से, क्योंकि जीरो आ गया, ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गए, एफ एक्स इज इक्वल टू यानी फंक्शन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन, यस या नो। अब राइट नाउ डेरिवेटिव्स निकालेंगे, आदित्य f डैश x, यस या नो, बताएंगे आकांक्षा, डी बाई डी एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू वन, क्या होगा बताएंगे आकांक्षा, बताइए। फंक्शन में कल फॉर्मूला दिए थे आपको, स्टडे फिर मोबाइल चेक करें, स्टडे आई हैव प्रोवाइडेड आई हैव गिवन अ फॉर्मूला फॉर फंक्शंस, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आपको दिए थे, कहे थे कि आप याद कर लीजिए, नहीं याद करती हैं। लुक एट d by dx is equal to, पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, yes या no, minus d by dx into cos x is equal to minus sin x, yes या no, and d by dx into 1, yes या no, so here class क्या लिख सकते हैं, यानी उसकी values को हटाइए, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 plus साइन, यानी जब डिफरेंशिएट किए फंक्शन को, व्हेन वी विल डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन देन वी विल फाइंड द 3 प्लस साइन एक्स, यस या नो, आकांक्षा कह सकते हैं। अब राइट नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द जीरो इन एफएक्स, पुट करेंगे ना, स्टेप वन आकांक्षा, लुक एट द बोर्ड, स्टेप नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू, now put the value of now put the value of zero in fx, yes या no, put कर सकते हैं कि नहीं आकांक्षा। तो हमारे पास fx क्या है आदित्य, ये है ना एफ एक्स, और डेरिवेटिव्स का दे आया है, सो हियर एफ एक्स, सो वी विल राइट एफ इनटू जीरो, एफ इनटू जीरो यानी कि थ्री इनटू जीरो माइनस कॉस जीरो
माइनस वन। जब इसे आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा क्लास, 3 × 0 इक्वल टू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी बताएंगे, आकांक्षा 1 आएगा। आकांक्षा कितना आएगा बताइए टू फास्ट, आकांक्षा कॉस 0 का 1, यस। अब तो आप इंटीजर माइनस 1 और माइनस 1 ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया माइनस 2 का। यस यारो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लास, इसे ध्यान से समझिए एंड देन वी विल सी। अब देन इसी फंक्शंस को राइट नाउ वी विल पुट f1 को भी पुट करके हम लोग देखेंगे। यस यारो, f1 को पुट करेंगे या नहीं करेंगे क्लास बताइए। f1 को पुट करने के लिए स्टेप नाउ, क्योंकि अभी हमारे पास जो वैल्यू आया ये माइनस टू किसमें है, नेगेटिव में है। यस या नो, ये नेगेटिव रूट है कि नहीं आदित्य? नाउ नाउ पुट द वैल्यू, बोलते चलिए पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा f1 3 × 1, यस या नो क्लास, कैन बी राइट और नॉट राइट? आकांक्षा 3 × 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1। कॉस 1 को रेडियन में बदलेंगे, बताए थे आप लोगों को रेडियन में कैसे बदला जाता है। आप देखिए इधर कन्वर्ट, लुक एट कन्वर्ट, कन्वर्ट रेडियन, लिख लीजिए कॉपी पे रेडियन, कन्वर्ट रेडियन इनटू इनटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्लास वी मस्ट डिफाइन 180 डिग्री बाई 5। ये नहीं समझ गया मैंने, वैसे ही लिखते हैं ज्यादा ठीक। यस या नो आकांक्षा, यहाँ पर जैसे इसको आप करेंगे 1 से तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 57.2981 आएंगे कि नहीं आएंगे? फर्स्ट वन का कितना आएगा वैल्यू बताइए क्लास, 57 3 × 1 माइनस 57। आप पहले 180 बटा 5 को नहीं कीजिए ना, अपने आप वैल्यू आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट इन द 180 डिग्री बटा 5 इनटू 1 कीजिए, 57.29 कितना है, 57.2958 माइनस 1। यस या नो, यही आएगा ना क्लास, 3 × 1 माइनस कॉस 3 × 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना आया, 57.2958 माइनस 1, यही आएगा ना। अब जैसे ही ये कॉस का वैल्यू होगा क्लास, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इक्वल टू 3 × 1 माइनस कॉस, और जैसे ही आप आकांक्षा कॉस 57.295 का वैल्यू बताइए कितना आता है, 0.5 3 माइनस क्लास 0.5403 माइनस 1। जब आप इसे कंप्यूट करेंगे देन यू कंप्यूट तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, 1.45। आंसर कितना आएंगे, 97 कंफर्म, वेरी गुड, धीरे प्लस पॉजिटिव, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्लास जैसे ये पॉजिटिव रूट आया, और फर्स्ट वाले में कितना हमारे पास आया था f0 और f1, तो हम लोग क्लास यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, x0 की वैल्यू अगर हम लोग पुट किए थे वहाँ पे, राइट नाउ वी विल पुट ऑन दिस वैल्यू, तो
एक्स जीरो की वैल्यू यानी कि f जीरो जब रखे थे तो कितना पॉइंट्स आया था क्लास बताइए। वेट करेंगे अब वैल्यू को फॉर्मूला में तो पुट करके देखेंगे ना, ये तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, अब फॉर्मूला में तो रखना पड़ेगा ना क्लास। यहाँ पे क्या है x n प्लस वन तो पुट पुट यहाँ पर जैसे वैल्यू पहले पुट करके देखेंगे कि कैसा आएगा। सो क्लास आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, इसे आप लिख चुके हैं पॉजिटिव नेगेटिव रूट मिल गया, लेकिन फट वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वी विल सी एक्स एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एन बाय डिनोमिनेटर एफ डैश एक्स, यही है ना क्लास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास अगर ए है तो यहाँ पे राइट नाउ वी विल पुट, अगर जीरो पुट करते हैं क्लास देखेंगे तो एन प्लस वन है ना, एक्स प्लस एक्स एन मान लीजिए यानी कि एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, तो एफ एक्स एन की वैल्यू को हम लोग को देखना होगा। पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ लें, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन राइट डाउन, गिवन एफ एक्स एन यानी कितना वैल्यू जीरो रखे थे ना, कितना वैल्यू रखे थे इस पर आया था थ्री प्लस साइन एक्स, थ्री प्लस साइन एक्स कितने पे रखने पे आए बताइए, एफ एक्स वही है ना, हाँ गिवन एफ एक्स इक्वल टू कितना है थ्री प्लस साइन एक्स, थ्री माइनस कॉस एक्स माइनस नहीं नहीं थ्री एफ डैश एक्स पे आता है, यस बिल्कुल सही होने का इंटेलिजेंट हो गए, थ्री थ्री एक्स माइनस एक्स या थ्री एक्स था, थ्री माइनस थ्री माइनस कॉस एक्स माइनस वन, यही है ना क्लास, कोई दिक्कत। और हमारे पास एफ डैश एक्स कितने आए थे डिफरेंशिएट करके, साइन एक्स थ्री प्लस, इस वैल्यू में आप पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आकांक्षा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बटा में थ्री प्लस, यस या नो आकांक्षा। अब राइट नाउ क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स एन इंटू थ्री प्लस साइन एक्स, थ्री प्लस साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन बटा में थ्री प्लस साइन एक्स एन इंटू थ्री प्लस साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन बटा में डिनोमिनेटर थ्री प्लस साइन एक्स, कोई डाउट, यस 3xn 3xn क्लास ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या था 3x है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे है थ्री एक्स एन माइनस कॉस एक्स एन, यस या नो, थ्री एक्स एन माइनस कॉस एक्स एन माइनस वन, और वहां पे 3 प्लस साइन एक्स यहाँ पे छूट गया है, यहीं पे लिखना था हमको, यस या नो लिखना था सब में, कोई दिक्कत आकांक्षा। अब वैल्यू को जैसे लिखेंगे 3xn प्लस xn sin x माइनस 3xn प्लस cos xn प्लस, यस या नो, ये माइनस से माइनस 3xn को गए, अब बटा में थ्री प्लस साइंस, कोई डाउट आकांक्षा समझ में आ रहा।
इसे हम निकालें। अब देन वी विल पुट द वैल्यू, वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे कैसे, फाइनली हमारे पास एक बन के आया है एक्स एन, एक्स एन साइन एक्स, एक्स एन साइन एक्स, यस या नो? अच्छा एक्स एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एन प्लस यस या नो प्लस आदित्य कैन बी राइट और नॉट राइट एंड इन डिनोमिनेटर थ्री प्लस साइन एक्स एन कोई डाउट? अब पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू जीरो इस पे पुट करेंगे। जैसे ही आप इसे पुट करेंगे आकांक्षा पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू जीरो यहां पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन x जीरो साइन एक्स यस या नो क्लास फिर कॉस एक्स जीरो प्लस वन बटा में डेनोमिनेटर थ्री प्लस साइन एक्स जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे आकांक्षा बन आ जाएंगे। अब हमारे पास एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन में जीरो प्लस वन एक्स वन इक्वल टू इतने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे क्लास। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आप देखिए x0 की वैल्यू कितनी है 0.6 कैसे आया 0.6 बोलिए x0 की वैल्यू कैसे आएगा 0.6 बताइए क्लास 0.6 x0 की वैल्यू कैसे आएगी बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा सर एक जीरो की वैल्यू तो जीरो है इफ यू एक्स जीरो की वैल्यू वो वैल्यू पुट नहीं करनी है देखिए हम लोग क्या किया यहाँ पर हियर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हियर वी हैव टेकन कि x 0 की वैल्यू कितनी है 0.6 इसे आप क्लास के बाद इस पर डिस्कस करेंगे ठीक है कैसे बनेगा। अब x 0 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आकांक्षा कैन वी पुट और नॉट पुट पुट कर सकते हैं हम। अब जैसे ही पुट करेंगे हियर वी विल इस सेट को इरेज कर दें हो गया बहुत आसान मेथड है कुछ नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान कैलकुलेशंस ही प्रॉब्लम है इसका। इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स द मोस्ट प्रॉब्लम इज क्या है कि आपका कैलकुलेशंस को फाइंड आउट यस या नो इस चीज का आप ध्यान दें। हियर यू विल राइट लाइक दिस ओके सो हियर एक्स वन x1 equal to आकांक्षा राइट डाउन x1 equal to 0.6 ब्रैकेट में क्या जाएगा साइन हम मान लिए हैं x0 की वैल्यू कितनी है पुट 0.6 साइन 0.6 हम बोलते चलिए प्लस प्लस कॉस 0.6 हाँ प्लस वन बटा डिनोमिनेटर क्या है थ्री प्लस साइन 0.6 आकांक्षा बताएंगी
0.6 का वैल्यू कितना आया? 57.4 रेडियन में बदलते हैं तो पहले 182 डिवाइड पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, जैसे वैल्यू आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे लेट मी विल सी। 0.6 ब्रैकेट में साइन कितना आया? 34.37 वेरी गुड। प्लस कॉस, कॉस का क्या है? कॉस साइन 0.6 साइन 34.3774 और कॉस का, कॉस का ध्यान दीजिए 34.3774 और प्लस 1 बाय डिनोमिनेटर 3 प्लस साइन 0.6 का 34.3774। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन यू कैन फाइंड आउट x1 की वैल्यू कितनी आएगी, क्लास 0.60 किसकी वैल्यू है x1। यस या नो? यस सर। x1 की वैल्यू 0.607। ओके अब क्या करेंगे, now we will put the value of l equal to 2। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, here we'll write x2 equal to, बड़ी जल्दी जल्दी x2 equal to x1 sin x प्लस है ना, yes, into x2 x1 into sin x1 sin x1 a बटा 2 किया x1 हम लोग ने देखा x1 sin x1 बस आप चेक करते चलिए प्लस cos x1 प्लस 1 आकांक्षा लुक एट द बोर्ड 3 प्लस sin x। अब हमारे पास x1 की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं, आकांक्षा, सो हियर वी विल पुट 0.60771 इनटू sin 0.60771 प्लस cos 0.6071 प्लस 1। यस या नो आदित्य? यस सर। एंड देन वी विल राइट 3 प्लस sin 0.6071 आकांक्षा। क्लियर है? कितनी वैल्यू आई इसके x2 का? x2 का वैल्यू निकालिए कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, डू फास्ट। x2 का कितना वैल्यू आएगा बताइए, जल्दी पुट कीजिए क्लास आकांक्षा जल्दी। x 0.6071 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे देन यस बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। सो एनीवे क्लास आप इसे लुक एट आदित्य कैलकुलेशन निकल गया क्या आपका, बोलिए कितना है x2 का, इसे आप निकाल लेंगे क्लास लुक एट, ध्यान दीजिए x2 की वैल्यू कुछ भी आएगी हम लोग क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट और फिर टेबुलर फॉर्म बनाएंगे आकांक्षा,
टेबलर फॉर्म में वैल्यू को रख देंगे, पहला वैल्यू क्या जाएगा एक्स जीरो, दूसरा वैल्यू क्या जाएगा एक्स वन, तीसरा वैल्यू क्या जाएगा एफ एक्स जीरो, नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएंगे एफ एक्स वन, और फॉर्मूला वन एक्स इजल टू ए प्लस बी बाई टू होता है, एक्स एन इजल टू वाले फॉर्मूला को पुट कर देंगे बीच वाले में, और फंक्शन में जो हमारा वैल्यू दिया है उसको पुट कर देंगे, यस या नो। सो आई थिंक क्लास आप समझ गए होंगे असाइनमेंट। लुक एट द बोर्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट असाइनमेंट सबमिट बिफोर 7 PM आकांक्षा। असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है आदित्य? असाइनमेंट देख लीजिए कब तक सबमिट करा दिए, बनाते रहिएगा, टाइम हो रहा है आदित्य 7 o'clock से पहले। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑल द क्वेश्चंस 0.6781 सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विच हैव मेंशन्ड विच हैव मेंशन्ड इन योर नोट्स। जितने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं टोटल क्वेश्चंस यू विल कंप्लीट एंड सबमिट। आदित्य कितने बजे तक सबमिट करना है? 7 ओके क्लास। सो राइट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।